तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के व्हाट्सअप का एक नया फीचर बताने वाला हूँ, जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है। फिलहाल ये बीटा यूजर के लिए आया है और बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके पास व्हाट्सअप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, तो ये जो फीचर है डेफिनेटली बहुत काम का है। क्या ये फीचर है, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट या सबसे आपको मिले। तो चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के कमाल के रहे फीचर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने व्हाट्सअप को आपको अपडेट कर लेना है। फिलहाल ये जो अपडेट है ये बीटा यूज़र के लिए आया है। अगर आप बीटा यूज़र नहीं है तो हो सकता है ये फीचर आपको ना मिले। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलता है, ऐसा नॉर्मल था, ठीक है। अब इसमें नया चेंजेस किए गए, दो मैं नए आपको फीचर्स बताने वाला हूँ। एक तो डेफिनेटली बहुत काम का है। तो यहाँ पर दो नए अपडेट किए गए, एक तो बिल्कुल आज ही रोल आउट किया गया है। अब यहाँ पर जैसा कि पहले आपको पता होगा, पहले का जो व्हाट्सअप था उसमें आप यहाँ पर यूं करके स्टेटस और आपका सब चीज़ों को यहाँ पर डायरेक्टली मूव ऑन करके देख सकते थे स्वाइप पे। अब वापस इसको ऐड ऑन कर दिया गया है। अब आप स्वाइप करके वापस स्टेटस पे जा सकते हैं और स्टेटस से वापस आप यहाँ पर अपनी चैट्स वाली स्क्रीन पे आ सकते हैं। इसमें एक नया फीचर और दे दिया गया है। अगर आपको पुराने स्टाइल में अपने स्टेटस को देखना है तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑल स्टेटस पे करेंगे तो पूरे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर पूरे ऑल दिख जाएंगे, जो म्यूट करके रखा होगा म्यूट दिख जाएंगे, जो आपने देख लिए होंगे वो देख लिए जाएंगे। अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी लॉग इन करा है व्हाट्सअप पर, इसलिए यहाँ पर किसी के स्टेटस नहीं दिख रहे हैं, बट आपको यहाँ पर ऐसे दिखेंगे। अब बात करें मेन जो फीचर है, जो नया चेंजेस वो है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक फिल्टर दे दिया गया अनरीड का। अब डायरेक्टली आप अनरीड मैसेज देख सकते हैं। मतलब आपके पास अगर बहुत सारे जहाँ पर चैट्स हैं और आपको देखना है यार कि मैंने कौन से चैट्स के मैसेज नहीं पढ़े अभी तक या अनरीड पढ़े, तो आप सिंपल यहाँ पर अनरीड पर जाएंगे तो सारे मैसेज आपके ऊपर हाईलाइट हो जाएंगे और आप डायरेक्टली उनको देख पाएंगे, रीड कर पाएंगे, या जो भी आपको उसमें से कुछ करना है आप देख के उसको जवाब दे पाएंगे। तो ये यहाँ पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो वहाँ से हटता जाएगा। आप देख सकते हैं वो मैसेजेस वहाँ से हटते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है, जो कि मुझे तो बहुत शानदार लगा ये वाला फीचर। आप बोलेंगे यार इतना सा फीचर बता रहा है, बट डेफिनेटली बहुत काम का है। अगर आपके पास बहुत सारी लिस्ट्स है तो ये बहुत काम की है। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं अपने वाले पुराने वाले अकाउंट में जाऊं, ये मेरा पुराना वाला अकाउंट है, बट इसके अंदर वो चैट्स वाला फीचर अभी नहीं आया है। और अभी जो मैंने नया अभी लॉगिन किया हुआ है, मतलब सेकंड जो ऐड ऑन किया गया है, उसके अंदर वो फीचर मुझे देखने को मिल रहा है और ये वाला फीचर उसमें नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल इसी में ये अपडेट आया है और आप यहाँ पर अनरीड करके देख सकते हैं। और जो ग्रुप के मैसेज देखना है तो ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप दिख जाएंगे। तो ये यहाँ पर तीन अभी नए यहाँ पर दे दिए गए हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑल अनरीड और ग्रुप वाले, ये दो नए यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए गए हैं। आप जिसको भी चाहें इजीली फिल्टर करके अपने देख सकते हैं। कोई ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है तो ग्रुप्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर फास्टली देख पाएंगे। और भी इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, इसका लिंक मैं आई बटन दे दूंगा, जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।